प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ है इकरार भी हुआ है तो फिर डरता क्यों है दिल। मैं बताता हूँ रिया, मैं आज मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। कैसे लग रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रहा हूँ। जानी कैसे हो? दिखते नहीं आजकल। झूठ मत बोलना, मेरी याद तो आई ही होगी। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया तुमने मेरी याद में? पता चल रहा लड़कियां हाथें काट रही हैं। बट अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, लंबी कहानी है। ठीक है, क्या हुआ कि मैं हमेशा मैं सुबह सुबह जिम के लिए उठ जाता हूँ। आजकल तो विंटर्स का टाइम चल रहा है, तो 6 बजे तक मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए। जिम से मैं घर की ओर जा रहा था, एंड रोड थी, मेन रोड थी, तो मैं स्कूटी चला रहा था अपनी। तो एक ई रिक्शा वाला साइड से मोड़ रहा था, ठीक है, तो मैं ऐसे सीधे जा रहा था एंड वो मोड़ रहा था पीछे की ओर। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि होता नहीं है कि मैं मोड़ रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ। कन्फ्यूज़ हो गए कि मैं पहले निकाल लूँ सीधी गाड़ी या फिर वो पहले मोड़ ले। तो ऐसे इस चक्कर में कि अब तू जा, नहीं मैं रुकूँ, अब तू जा, होता नहीं कन्फ्यूजन, ऐसा सीन हो गया था कि वो और मैं टकराने वाले थे। पर तुम्हारा भाई अमर राइडर प्रोवाइडर, मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल ऐसे जूम करके स्कूटी सूर ऐसे करी, जस्ट उसकी साइड से निकाली, बट मेरा जो शीशा था वो टक करके ई रिक्शा से ऐसे लग गया टक करके, और वो मुड़ गया। एंड फिर मुझे लगा अब तो मुझे गाली पटाने वाली है। मैंने स्कूटी आगे निकाल ली, यही सोच रहा था रास्ते में, यार मैं कितना बड़ा नूब हूँ यार। पर होता नहीं कभी कन्फ्यूजन होती है कि नहीं आप पहले, नहीं आप पहले, नहीं 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 आप पहले, ये वाला सीन हो गया था बिल्कुल। अब मैं जब भी जिम से जाता हूँ, जिम से घर वापस आता हूँ, तो बहुत सारे ई रिक्शा खड़े रहते हैं, ई रिक्शा चल रहे होते हैं, और मुझे डर लगता है कि भाई अब एक ई रिक्शा से उठ के बंदा आएगा, मुझे थपड़िया देगा। तो बहुत डर लगता है मुझे अब ई रिक्शा वालों से। तो यही हुआ था। तो तुमने बातें बातें कर ली होगी, तो शुरू करें अब हम? हाँ नहीं, बातों में लगा लेते हो मुझे, तुम पढ़ना लिखना नहीं है, चलो शुरू करो। पिछली वीडियो में जब मैंने बोला कि मैं आजकल कोर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड पैक्स वैक्स बन जाए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार आप अपने पैक्स रिवील कब करने वाले हो। तो गाइस वक्त आ चुका है। आँखों की
तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं एंड बोलते हैं कि हमारा सिलेबस इतना ख़त्म हो गया है, यू नो हमने सिलेबस अभी तक शुरू नहीं किया है, कैसे शुरू करें, हमने बैच अभी ज्वाइन किया है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं उन्हें कह दूँ कि ये जो तुम्हारे सावन भैया जी है ना, ये एडवाइस वडवाइस ना ही देते हैं, ठीक है। यू नो क्या एडवाइस लोगे यार तुम मुझसे, क्या यू नो अगर आपको लेना ही है तो हमारा प्यार लीजिए ना, यू नो प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। तो ऑनेस्टली कहूँ ये सब मजाक साइड रख के कि यार मुझसे क्या पूछते हो यार तुम, यू नो आपका अपना अपना सिस्टम है एंड मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं भी तो अपना ही कर रहा हूँ तो मैं आपको क्या ही एडवाइस दे सकता हूँ ना। एडवाइस तो आपको वो बंदा दे सकता है कि हाँ जिसने क्रैक कर लिया है वो बोल सकते हैं, बट यहाँ मेरा बोलना यार गलत होगा बहुत ज़्यादा, है ना। यू नो जब हम वीडियो में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बहुत सही कर रहा है, आपको भी पता है मैं तो बिल्कुल सब ऑनेस्टली बोलता हूँ, तो वीडियो में ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है, बट ऐसा लगता है ना वीडियो देख कर, यू नो टाइम लैप्स देख के ऐसा लगता है कि वाओ यार ये तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है ऐसा, ठीक है। कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करता हूँ, तो यही बोलना चाहता हूँ आपको कि सब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो देख के कि यार ये तो बहुत सही कर रहा है यार, ये तो मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल ही होता है यार, बस मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ और कुछ नहीं होता, ठीक है, सब कर सकते हैं, ओके। YouTube चला रहा था एंड YouTube यू नो चलाते चलाते एक के ड्रामा की वीडियो आई एंड होता नहीं है ये कंपाइलेशन बना देते हैं, पूरा हिंदी गाना चला देते हैं। गॉड तो मैं बताना चाहता हूँ, यू नो आई हैव वॉच्ड लॉट्स ऑफ के ड्रामास, यस यस तुम्हारा भाई भी बहुत क्रिंज है, ठीक है। मैंने बहुत सारे यू नो एक फेज होता है जहाँ पे एक बार नया नया बंदा की ड्रामा देखता है एंड उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो यू नो मैंने अपने लाइफ में 6 से 7 के ड्रामास देखे हुए हैं एंड हाँ क्रिंज वाले, एंड मैंने कुछ यू नो जैपनीज ड्रामास भी देखे हुए हैं। मैं उन ड्रामास की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्विड गेम, हेलबाउंड, साइलेंट सी, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार वालों की बात कर रहा हूँ यार। मतलब उन्हें देखने के बाद दिल में जो दर्द होता है ना बहुत ज्यादा होता है यार, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता। और मतलब इतनी सुंदर दुनिया दिखाते हैं ना यार, ये इतनी सुंदर दुनिया, वाह। एक तो कोरियन लड़कियां ना होती भी इतनी क्यूट सी। तो बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि यार वीडियो की कंसिस्टेंसी बढ़ाओ ना, हफ्ते में एक वीडियो आ रही है, दो वीडियो लाओ, दो। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि इफ यू वांट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आई एम देयर विद यू, बट इफ यू वांट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, भैया ऐसी बात नहीं करते, पाप लगेगा, राम 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 राम। यार यू नो मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ बट यू नो इन सब के बीच में इतना सब कुछ यू नो बहुत वो रहता है तो नहीं बना पाता मतलब वीडियो, बट अगर आप कहोगे तो मैं कर सकता हूँ एंड करने में क्या है, बट थोड़ा यू नो हो ही जाएगा, यू नो थोड़ी क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज हो ही जाएगी अगर मैं कहूँ करूँ तो। अगर आपको कोई यू नो फर्क नहीं पड़ता तो हमें कहा मतलब I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become. तो आपने मेरे कई अतरंगी रूप देखे हुए हैं, बट आज फर्स्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस चैनल आप देखने जा रहे हैं मेरा फिलोसोफर रूप। तैयार हो इसके लिए।
तो यू नो गाइस, कुछ लोगों के लिए बोतल आधी खाली होगी एंड कुछ लोगों के लिए बोतल आधी भरी एंड कुछ लोगों के लिए बोतल आधी भरी होगी, बट मेरे लिए I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you, go slow. तो गाइस, आपको मेरा नया लुक कैसा लगा? लग रहा हूं ना मैं हैंडसम? तो गाइस, मजाक से हटके, यू नो मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं आजकल एंड बालों को कटाने का वक्त आ चुका है. यू नो ऐसे मुझे एक चीज याद आई. यू नो गाइस, मेरी आदत है, यू नो जब भी मैं कुछ सोचता हूँ या फिर मतलब कुछ सोचने की ट्राई करता हूँ, तो यू नो मैं अपने बालों के साथ यू नो ऐसे ये तो यू नो मैं अपने जुल्फों के साथ यू नो ऐसे खेलने लग जाता हूँ. नो ये एक चीज है जो यू नो बस है. आदत से मुझे एक और चीज याद आई. तो मैंने ये चीज एक बार स्कूल में भी करी थी एंड स्कूल में भी सबको बहुत यू नो घिनौनी लगी, बट मुझे नहीं पता क्यों लगी. ये आप ऐसा कर सकते हो क्या है? आप मुझे बताओ, आप ऐसा कर सकते हो? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ. लड़कियों, अब तो पट जाओगी ना मुझसे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रस्तुत करना ना भूलें. तो आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगते हैं एंड आपके विचारों से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलते हैं. तो कृपया करके प्यार बरसाइए. इतना ही था. एंड जो लोग कहते हैं कि भाई तुम पूरे दिन लेक्चर अटेंड करते रहते हो, तुम सेल्फ स्टडी कब करते हो, तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई सब कुछ बता दे तुम्हें. सब कुछ बता दे, सारे सीक्रेट बता दे तुम्हें. जैसी वीडियो एंड होगी उसके बाद यू नो मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे बैठूंगा बहुत एकांत में. तुम्हें पता नहीं है बहुत मजे आते हैं, करिएगा आप भी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पढ़ाई करते रहे. ऑल द स्टूडेंट कहेंगी. अच्छा, किससे वेव पढ़ रहा था? नौरा फदही से. यार एक काम करिए यार, ये जो चीज हुई है ना, ये मम्मी को मदद चाहिए यार, प्लीज रुक जा तू. मम्मी को